हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट सीएसपीसी ने जारी कर दिया है और सीएसपीसी के द्वारा ही बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी दी जाएगी। और ऐसे में सीएसपीसी का एक रूल है कि अगर कोई वैकेंसी सीएसपीसी के द्वारा दी जाती है, अगर उसका एग्जाम होता है और रिजल्ट आने की जानकारी अगर आप लोगों को मिलती है, तो दोस्तों सबसे पहले सीएसपीसी उस वैकेंसी का रिजल्ट अपलोड करता है, उसके बाद ही नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी करता है। तो दोस्तों ऐसे में बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट सीएसपीसी के द्वारा अपलोड कर दिया है और बहुत ही जल्द बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 वैकेंसी का विज्ञापन जारी करेगा। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, जो कि 100% सही जानकारी आप लोगों को मिलेगी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 वैकेंसी का ऑनलाइन कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों जैसे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा की वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया जाएगा, और ऐसे में बिहार दरोगा की वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का विज्ञापन भी बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कुछ बदलाव किया गया है, जो कि आगे जानकारी आप लोगों को देंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि डीजीपी के द्वारा जानकारी दिया गया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का विज्ञापन इसी माह जारी किया जाएगा, यानी अगस्त में ही जारी किया जाएगा, लेकिन अगस्त में विज्ञापन जारी नहीं हो सका। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का विज्ञापन अगले मंथ यानी सितंबर के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने की जानकारी जो हमें मिल रही है वह अगले माह 10 तारीख तक आने की जानकारी मिल रही है, लेकिन 15 तक आप लोगों को किसी भी हालत में बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी दी जाएगी। और इस वैकेंसी में कुछ बदलाव भी किया गया है, जैसे अब 5 मिनट में महिलाओं को दौड़ना होगा 1 किलोमीटर, यानी महिलाओं को फिजिकल के लिए बदलाव किया है, और जिसकी जानकारी भी आप लोगों को बिहार गजट के द्वारा ऑफिशियल रूप से जानकारी दी है, जो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर भी आप लोग खुद से देख सकते हैं, जो कि जानकारी 100% सही दिया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो दोस्तों कोई भी वैकेंसी में अगर बदलाव होती है बिहार में, तो सबसे पहले इस साइट पे ही अपलोड किया जाता है, जिसकी जानकारी आप लोग खुद देख सकते हैं। और नंबर 2 में फ़िलहाल अपलोड किया गया है, नंबर 1 में अभी फ़िलहाल बहुत सारी अपडेट हो गई है, और नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरी जानकारी अपलोड की गई है, और आप यहाँ जाके आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। 942 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शनल नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और यहाँ से पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों यह जो जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं या ऑफिशियल रूप से अपलोड किया गया है या कोई फेक नहीं है, और इसमें सारी जानकारी आप लोगों को अपलोड की गई है बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या बदलाव किया गया है और कितनी उम्र सीमा होगी, जिसकी जानकारी आप लोगों को आगे हमने दिया है इससे पहले वीडियो बना के। तो दोस्तों यह जो बदलाव किया गया है ऑप्शन नोटिफिकेशन के द्वारा सीएसबीसी के द्वारा भी आप लोगों को इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन इसी प्रकार से दिया जाएगा, और इसमें हो सकता है कुछ बदलाव होगा, लेकिन सीएसबीसी के द्वारा जो ऑप्शन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ठीक इसी प्रकार से होगा, और इसमें ठीक उसी प्रकार से वैकेंसी का विज्ञापन जारी करेगा जिस प्रकार से आप लोगों ने इससे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसी प्रकार से रहेगा, और हो सकता है इसके सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को मिल जाए। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट के द्वारा आप लोग पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।